भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे तीसरे T20 मैच में भारत के सामने वेस्टइंडीज ने 182 रन का लक्ष्य रखा है। जी हां, आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की तरफ से आज सभी बल्लेबाजों ने अहम योगदान दिया है और 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 181 रन बनाए। आपको बता दें इस पूरे टूर्नामेंट में फेल चल रहे डैरन ब्रावो का आज बल्ला बोला और 37 गेंदों पर उन्होंने शानदार 43 रन नॉट आउट बनाए। आपको बता दें इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 2 के भी जड़े। तो वहीं आज के हीरो बने हैं वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पूरन, जिन्होंने 25 गेंदों पे दमादार 53 रन ठोक डाले, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। और भारत की तरफ से आज गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी, केवल युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट झटके। तो वहीं वाशिंगटन सुंदर को भी मात्र 1 विकेट मिल पाया और उसके बाद कुणाल पांड्या 4 ओवर में 40 रन जहां दिए, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार भी काफ़ी महंगे साबित हुए और उन्होंने 4 ओवर में 39 रन खर्च कर दिए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए। तो कहा जा सकता है कि आज भुवनेश्वर कुमार का नहीं चल पाना कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहा और वेस्टइंडीज़ ने दिया है तीसरे 20 मैच में, जो कि वो सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें एक ऐसा स्कोर जहां पे वो भारत को हरा भी सकता है। लेकिन देखना यह है कि रोहित, जो कि इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, वो इस चेस को कैसे शुरू करते हैं।